अक्सर हम छोटी छोटी बातों पे टेंस्ड हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो टेंशन, डांट दिया तो टेंशन, पड़ोसी के घर चोरी हो गई तो टेंशन, खुद के घर हो गई तब तो होनी ही है, कहीं वॉयलेंस हो गया तो टेंशन, स्टॉक्स में लॉस हो गया तो टेंशन, ऐसे ही उन अनगिनत बातों पे टेंशन हो जाती है। पर क्या टेंशन लेने से सब ठीक हो जाएगा? क्या चोरी किया हुआ सामान वापस आ सकता है? क्या हमारे टेंशन लेने से वॉयलेंस रुक सकता है या फिर स्टॉक्स हमें प्रॉफिट दे सकते हैं? ये सब होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और जब हमें पता है कि हमारे टेंशन लेने से 1% भी चीज ठीक नहीं होगी, तो फिर टेंशन लेने से क्या फायदा? नमस्कार दोस्तों, एंटरप्रेन्योर्स गाइड में आपका फिर से स्वागत है। आज हम दुनिया भर के एक कॉमन टॉपिक पे बात करने वाले हैं, टेंशन या फिर डिप्रेशन। आज हम आपके लिए लाए हैं द बॉडी कीप्स द स्कोर बुक समरी, जो बैसल वैन डेर के द्वारा लिखी गई है। बैसल एक साइकाइट्रिस्ट, ऑथर, रिसर्चर एंड एजुकेटर हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर किसी के साथ कभी कोई ट्रॉमा वाली घटना हो जाए तो विक्टिम डिप्रेशन में चले जाते हैं। इससे उनकी लाइफ में खुशियां गायब हो जाती हैं। साइंटिफिक नॉलेज में इसे PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी कहते हैं। इस बुक में आपको पता चलेगा कि कैसे आप इन सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं और अपनी खुशियों भरी लाइफ इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक अमेजिंग प्रोडक्ट लेके आए हैं, जिसे आप हेडेक, माइग्रेन, टेंशन एंड स्ट्रेस जैसे सिम्टम से इजीली 10 से 15 मिनट थेरेपी करके रिलीफ पा सकते हैं। इससे आप काम एंड रिलैक्स फील करेंगे, जो आपके टायर्डनेस एंड स्लीपिंग प्रॉब्लम से भी राहत दिलाएगा। तो अगर आप भी इन सब प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं द बॉडी कीप्स द स्कोर समरी। फर्स्ट, एंटी डिप्रेसेंट्स आर नॉट इनफ। बहुत से साइकोलॉजिस्ट डिप्रेशन के पेशेंट्स को एंटी डिप्रेसेंट्स दवाई देते हैं। इससे लोगों को लगता है कि दवाई से पेशेंट ठीक हो जाएगा, पर नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। ऑथर कहते हैं कि दवाई के बावजूद पेशेंट को मॉरल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जो दवाइयों से बेहतर काम करता है। सिर्फ दवाइयों के भरोसे नहीं रहना चाहिए, ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे डिप्रेशन में आए लोगों को नई प्रेरणा मिले। समझाने के लिए डांटना या एग्रेसिवली बात करना तो बिल्कुल अवॉइड करें। ऐसा करने से वो और डिप्रेशन में चला जाएगा। जितना हो सके पोलाइटली बात करें और मोटिवेट करते रहें। इसके अलावा डिप्रेस्ड पर्सन को नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे आसान है कुछ छोटे मोटे काम करते रहें, जिससे वो अपने आप को बिजी रखेंगे। खाली बैठा इंसान पुरानी बातों को बार बार याद करके दुखी होता रहता है, इसलिए बिजी रहना जरूरी है। साथ ही योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज एक्सेट्रा भी जरूर करें और खुद को अकेला न रखें। कोशिश करें कि साथ में हमेशा कोई बात करने के लिए हो। सेकंड, अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रॉमा। अगर किसी के साथ पास्ट में कुछ बहुत बुरा हुआ है या कोई पेनफुल घटना होती है, तो वह विक्टिम को देर तक याद रहती है। उसे वही चीज बार बार याद आती है और इससे वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते। उन्हें एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन होने लगता है। उनके सबकॉन्शियस ब्रेन में एक डर बैठ जाता है। वे रियलिटी और इमेजिनेशन में कोई अंतर नहीं कर पाते। वे सारा दिन बुरी चीजें इमेजिन करते रहते हैं और उन्हें लगता है कि वह उनके साथ रियलिटी में हो रहा है। इससे वे डरे सहमे से रहते हैं। वे खुद को अकेला फील करते हैं और समाज में किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाते। उनको लगता है जैसे सब उन्हें ही देख रहे हैं या उन्हें ही कोस रहे हैं। उनके दिमाग में डर बैठ जाता है। उनका समाज और परिवार से भी कनेक्शन टूट जाता है। इसलिए किसी भी साइकोलॉजिस्ट को ट्रॉमा से गुजर रहे व्यक्ति के इन सिम्टम्स पर ध्यान देना चाहिए और ऐसे थॉट पैटर्न्स को समझना चाहिए। फिर विक्टिम की इन थॉट पैटर्न्स को बदलने में हेल्प करनी चाहिए, ताकि वह फिर से रियलिटी में वापस आए और परिवार व समाज से एसोसिएट कर सके। थर्ड, ट्रॉमा अफेक्ट्स रिलेशनशिप्स। ट्रॉमा से रिलेशनशिप पर भी बुरा असर पड़ता है। ऐसे में शराब या सिगरेट आदि की आदत बहुत नॉर्मल है और हो सकता है कि उसे ड्रग्स की भी आदत पड़ जाए, तो इनकी आदतों पे खास ध्यान देना पड़ता है। ऐसे इंसान किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करते और किसी को भी अपने मन की बात नहीं बताते। उसे लगता है कि दूसरे उसकी बातों पर हंसेंगे, उसके दुख से खुश होंगे। कई बार तो वह अपने साथ हुई बुरी घटना के लिए भी खुद को जिम्मेवार मानने लगते हैं। ये रिग्रेट उसे आगे नहीं बढ़ने देता।
इन सबसे उसके दोस्त, रिश्तेदार, लवर्स उससे दूर होने लगते हैं। वे उसका बिहेवियर समझ नहीं पाते और उन्हें लगता है कि वह एक बुरा आदमी बनता जा रहा है। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि जो इंसान खुश नहीं रहता अक्सर उसके पास लोग नहीं आते। ऐसे ही कुछ सिचुएशन से ट्रॉमा विक्टिम और सफर करता है, उसकी सिचुएशन सुधारने के बजाय और खराब होने लगती है। फोर्थ, थेरेपी कैन ट्रीट ट्रॉमा। थेरेपी एक मेंटल और फिजिकल ट्रीटमेंट है जो बिना ड्रग्स और ऑपरेशंस के की जाती है, और ट्रॉमा को भी थेरेपी से ठीक किया जा सकता है, जिससे ड्रग से होने वाले साइड इफेक्ट्स और ऑपरेशन से होने वाले चीरफाड़ से बचा जा सकता है। दरअसल जब भी हमारे सामने कोई डेंजर होता है तो हमारी बॉडी और ब्रेन दोनों फाइट या फाइट मोड में आ जाते हैं, जिसका मतलब है लड़ो या भाग जाओ। ट्रॉमा से गुजरते लोगों को कोई खतरा नहीं होता, पर अक्सर वो लोग गुस्सा या घबराहट का शिकार होते रहते हैं। इससे उनका दिमाग हमेशा अनस्टेबल रहता है, इसलिए हर ट्रॉमा विक्टिम की समय रहते किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से थेरेपी करवानी चाहिए। EMDR, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग, एक तकनीक है जिससे ट्रॉमा को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसे प्रोफेशनल थेरेपिस्ट ही अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि आपके लिए हम एक ऐसा थेरेपी प्रोडक्ट लेके आए हैं जो आपको हेडेक, माइग्रेन, टेंशन एंड स्ट्रेस जैसे सिम्टम से राहत दिलाएगा। हम आपके लिए लाए हैं WBC फोम फिटिंग जेल आइस हेडेक माइग्रेन स्ट्रेस रिलीफ हेड, जो WBC वर्ल्ड ब्यूटी केयर जैसे नॉन ब्रांड्स ने बनाया है। ये एक हाई क्वालिटी कैप है जिसे आप हेडेक पेन रिलीफ के लिए यूज कर सकते हैं। ये सॉलिड जेल से बना होता है जो आपको हॉट एंड कोल्ड थेरेपी में हेल्प करेगा। चाहे आप सो रहे हो या ऑफिस वर्क कर रहे हो, आप इसकी सूदिंग कोल्डनेस एंड प्रेशर इंजॉय कर सकते हैं, जो आपको किसी भी तरह की टेंशन, थकान या हेडेक से राहत दिलाएगी। ये प्रोडक्ट बहुत रिसर्च करने के बाद डेवलप किया गया है और इको फ्रेंडली डिज़ाइन एंड फाइनेस्ट क्वालिटी के लिए जाना जाता है। अगर आप वर्किंग हैं जिसमें 10 से 12 घंटे बैठना पड़ता है, या फिर स्टूडेंट हैं जिसको दुनिया भर की बुक्स पढ़नी होती हैं, ये प्रोडक्ट उनके लिए रामबाण है। हजारों रुपए डॉक्टर्स को देने से बढ़िया है इस प्रोडक्ट को यूज़ करें जो सिर्फ 1499 में है, क्योंकि आजकल स्ट्रेस, माइग्रेन जैसी बीमारियां बहुत कॉमन हो गई हैं, तो मेडिकल स्टोर्स पे इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। इसका एक्चुअल प्राइस लगभग 9000 के आसपास है, पर अभी ऑफर में आपको ये माइग्रेन एंड हेडेक रिलीफ कैप सिर्फ 1499 में मिलेगी। और अगर अभी आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से परचेज करते हैं तो 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। फिफ्थ, कीप टेकिंग एक्शन। ट्रॉमा होने से हमारे शरीर में स्ट्रेस के हॉर्मोन्स हमेशा निकलते रहते हैं, जो हमारे ब्रेन के प्रीफ्रॉन्टल कॉर्टेक्स को ब्लॉक कर देते हैं। प्रीफ्रॉन्टल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जहाँ से हमें डिसीजन मेकिंग और सोचने समझने में हेल्प मिलती है, लेकिन ब्लॉक हो जाने पर हमारा दिमाग ठीक से सोचना ही छोड़ देता है। इसके अलावा एम्बिगडाला और लिम्बिक सिस्टम पूरी स्पीड से काम करने लगते हैं, जिससे विक्टिम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। देखने वाले को ऐसा आदमी बाहर से नॉर्मल ही लगेगा, लेकिन अंदर से वह इतना अनस्टेबल होता है कि वह इंसान कोई गलत कदम भी उठा सकता है। इसलिए कुछ ना कुछ काम करते रहें। ब्रेन स्कैन से पता चला है कि अगर ट्रॉमा वाला आदमी कुछ एक्शन करता रहे तो उसका दिमाग ठीक से काम करने लगेगा। सबसे ईजी टास्क है योग और मेडिटेशन। आँखें बंद करके ऐसे व्यक्ति को ध्यान लगाना चाहिए, या ऐसी मेमोरीज को याद करना चाहिए जब वह बहुत खुश था या जब उसने कुछ अचीव किया था। इससे उसके अंदर स्ट्रेस हॉर्मोन्स रिलीज होना बंद हो जाएंगे और वह कुछ हद तक ब्रेन को नॉर्मल स्टेज में रख पाएगा। इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन कोशिश करते रहनी होगी। इसके अलावा सेल्फ हेल्प बुक्स भी काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। बुक्स पढ़ने से दिमाग बिजी रहता है और बुरे इंसिडेंट से उसका ध्यान हट जाता है। सिक्स्थ, माइंडफुलनेस हेल्प्स। माइंडफुलनेस का मतलब है कि हम पूरी तरह से प्रेजेंट रहना या अवेयर रहना। ट्रॉमा का विक्टिम अक्सर फुली प्रेजेंट नहीं रहता, मतलब उसके बहुत से रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक हो जाते हैं और वह लॉजिकली नहीं सोच पाता, जैसे तेज आवाज से डर जाना, अकेले बैठने में भी घबराना एक्सेट्रा। उसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि वह घटना उसके साथ अभी हो रही है,
शरीर से वह यहाँ है लेकिन दिमाग से कहीं और। इसे हम पार्शली प्रेजेंट रहना भी बोल सकते हैं या फिर ओवर थिंकिंग भी। इसलिए थेरेपिस्ट को उसे माइंडफुलनेस सिखानी चाहिए, उसे समझाना चाहिए कि पास्ट में न जीकर फ्यूचर के बारे में सोचे। जैसे इंटरव्यू में फ्यूचर गोल्स का पूछा जाता है, वैसे ही हमें भी यह पूछना चाहिए कि आज से 5 साल बाद आप कहाँ होंगे। इससे विक्टिम को सोचने में मदद मिलेगी कि सच में उसका फ्यूचर कैसा होगा। क्या 5 साल बाद भी वह हमेशा चिंता में बैठा रहेगा या अपने टैलेंट के दम पर आगे बढ़ जाएगा। उसकी गोल बनाने में हेल्प करें, जैसे वह एक रेस्टोरेंट लगा सकता है, उसमें जरूरतमंद लोगों को जॉब दे सकता है, बहुत से पैसे कमाकर अपने लिए घर गाड़ी आदि ले सकता है, या फिर चैरिटी या समाज सेवा भी कर सकता है। इस तरह विक्टिम के पास एक गोल होगा तो उसके दिल में एक नई होप भी जगेगी। दोस्तों, अगर आप खुद ही किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हो तो इस सब की सहायता से खुद को संभालें। 7. चाइल्डहुड ट्रॉमा डैमेजेस पर्सनैलिटी। जिन बच्चों को बचपन में किसी तरह का अब्यूज झेलना पड़ता है उसके ब्रेन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। ऐसे बच्चे आगे चलकर कम दयालु होते हैं, उनमें क्रिमिनल वाली साइकोलॉजी बन जाती है, क्योंकि वे दूसरों पर अपना ट्रस्ट खो देते हैं और हमेशा ऑफेंसिव मोड में रहते हैं। उन्हें लगता है कि समाज शायद ऐसे ही काम करता है। वे सोचते हैं कि जिस तरह दूसरों ने उन्हें तकलीफ पहुंचाई है उसी तरह उन्हें भी करना होगा। वे इसे जीने का नियम मान लेते हैं। इस तरह की सोच से बच्चों का विकास भी नहीं हो पाता, वे पढ़ाई में भी अच्छे नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पेरेंट हर छोटी गलती पर अपने बच्चे को डांटते हैं तो बच्चे डरे डरे से रहते हैं और घर के बाहर जाकर उन्हें लगता है जैसे जेल से बाहर निकल गए। फिर वो जरूरत से ज्यादा मौज मस्ती करते हैं, घर वालों से झूठ बोलते हैं और ऐसे ही बच्चे गलत आदतों का शिकार बन जाते हैं। इसलिए समय रहते ही अब्यूज के शिकार हुए बच्चों की थेरेपी या काउंसलिंग होनी चाहिए। इससे उस बच्चे की सोच को फिर से पॉजिटिव किया जा सकता है और वह फिर से एक सामान्य जिंदगी गुजार सकता है। 8. मेमोरीज ऑफ ट्रॉमा आर डिसऑर्गेनाइज्ड। हमारी पॉजिटिव मेमोरीज का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। एक कहानी की तरह हर मेमोरी की एक बिगिनिंग, मिडल और एंड होता है। इसके उल्टा ट्रॉमा वाली मेमोरीज का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। विक्टिम के दिमाग में ऐसी मेमोरी अक्सर फ्लैशेस की तरह आती है। इससे विक्टिम का ब्रेन इसे डेंजर मान लेता है और उसमें स्ट्रेस हार्मोन निकलने लगते हैं, जिससे उसके अंदर बहुत से नेगेटिव इमोशंस आने लगते हैं। इससे या तो वह खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या दूसरे को नुकसान पहुंचाने की सोचता है। इन मेमोरीज को दिमाग से हटाने की कोशिश करनी चाहिए। विक्टिम को अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से बात करनी चाहिए और कहना चाहिए कि यह सब पास्ट की घटना है और मैं धीरे धीरे इसे भूल जाऊंगा। साथ ही भगवान को धन्यवाद करना चाहिए कि उनकी जान तो सही सलामत है, क्योंकि विश्वास खो देने से विक्टिम को नुकसान ही होगा। ट्रस्ट ऑफ फेथ का यहाँ बहुत बड़ा रोल है। खुद के दर्द को बड़ा ना सोचे, इसके उल्टा कुछ ऐसा सोचे जो काफी भयानक हुआ हो, जैसे यूक्रेन में लड़ाई से कितने लोग बेघर हो गए, जाने चली गई, कोरोना में कितनों ने अपना परिवार खो दिया। इन सबके आगे अपना दर्द बहुत छोटा है। और ऐसा उल्टा सीधा ना सोच के हमेशा पॉजिटिव ही सोचे, जैसे आप अपने आप को मोटिवेट कर पाएंगे। थैंक यू गाइस, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक और कमेंट भी कर दें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।